नमो नमः, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि में हमेशा जब पूर्व पद में अ या आ हो और उत्तर पद में ए या ऐ, इन दोनों में से कोई भी हो, तो हमें समस्त पद हमेशा ऐ प्राप्त होता है। उसी तरह से अगर अ या आ पूर्व पद में हो और उत्तर पद में ओ या औ हो, तो हमें प्राप्त होता है हमेशा वृद्धि रूप। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। तो अब आपको पता है, स्वरों की जब बात चलती है तो सबसे बड़ी मात्रा ऐ और औ की होती है। तो हम जब ऐ की और औ की मात्रा, यानी कि दो मात्राओं पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो वो उसको कहा जाता है वृद्धि। तो आज हम संधि में वृद्धि संधि को पढ़ रहे हैं, अर्थात आज हम दो मात्राओं पर पहुंच गए हैं, यानी कि हमारे जितने भी संधि रूप आज हम करेंगे उनमें दो मात्राएं आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। अब देखिए, जैसे ये उदाहरण मैं आपको दे चुकी हूं, एक जमा एक, यहां पर क में अ है, यहां पर क में अ है, तो ये अ प्लस ये ए, अ और ए मिलकर के हमारे पास बनाएंगे आई। तो हमारा जो ये शब्द है एक जमा एक, ये मिलकर के क्या बन जाएगा, ए कई क। उसी तरह से मत जमा ऐ क्य, यहां पर मत के त में अ है, जमा आगे हमारे पास ऐ है, इसको हो जाएगा ऐ। कुछ भी हो, चाहे ए हो या ऐ हो, हमें प्राप्त हमेशा ऐ ही होगा। और पूर्व पद में हमेशा अ या आ ही रहता है, अ या आ ही रहता है, चाहे गुण संधि है चाहे वृद्धि संधि है, इन दोनों में पूर्व पद में हमेशा अ या आ रहता है। गुण संधि में उत्तर पद में ई ई ऊ ऊ आ जाता है, जबकि इसमें वृद्धि संधि में उत्तर पद में ए ऐ ओ औ आ जाता है। यह है पहचान गुण संधि और वृद्धि संधि की। तो अभी हम वृद्धि संधि कर रहे हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। तो दंत के त में अ है, आगे ओ है, तो अ और ओ मिलकर के औ बनाते हैं, ये हमारे पास औ बना, तो हमारा जो शब्द है वो मिलकर बन जाएगा दंतोष्ट, दंतोष्ठ। और ये था अ में ऐ मिलाकर, मत में एक्य मिलाया तो मतैक्य, मतैक्य। वन में औषधि, यहाँ पर वन के न में अ है और आगे हमारे पास औ है, तो ये मिलकर बनाएगा औ, उससे हमारा शब्द बन जाएगा वनौषधि। न में दो मात्राएं आ जाएंगी, वनौषधि, वनौषधि। महा जमा ओजस्वी, अब यहाँ पर आ है और इधर ओ है, तो अब आप जान गए होंगे आ में ओ मिल रहा है तो क्या बनेगा, औ। और ये महा जमा ओजस्वी शब्द बन जाएगा महौजस्वी, महौजस्वी। दो मात्राएं आ गई। महा जमा औषधि, अब यहां पर आ है और उस तरफ औ है, तो भी ये दोनों मिलकर के औ ही बनाएंगे और हमारा शब्द क्या हो जाएगा, महौषधि। अब फिर से आपको बता रही हूं कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में पता लगाना हो कि इनमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है ये तो स्वरों के मेल से पता चल रहा है, लेकिन गुण संधि है या वृद्धि संधि है, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है गुण संधि और वृद्धि संधि में उलझ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, गुण संधि में जो मध्य का वर्ण है, मध्य वर्ण में एक मात्रा होती है, और जो वृद्धि संधि है उसमें मध्य में हमेशा दो मात्राएं आती हैं। गुण संधि में ए या ओ की एक मात्रा वाला शब्द आता है मध्य में, और जो वृद्धि संधि है उसमें जो भी शब्द हो उसमें मध्य में ओ या सॉरी औ या ऐ की मात्रा वाले शब्द आते हैं। जैसे एक ऐ का हमें यहाँ पर ऐ आ रहा है, मतैक्य में ऐ आ रहा है, दंतोष में ओ आ रहा है, वनौषधि में दंतौष्ठ में औ की दो मात्राएं हैं, वन औषधि में दो मात्राएं, महौजस्वी दो मात्राएं, महौषधि दो मात्राएं। अर्थात गुण संधि में हमेशा एक मात्रा आती है, मध्य में
कोई भी शब्द आपको दिया जाता है, उस शब्द के मध्य में जो भी वर्ण होगा उसमें ए की या ओ की मात्रा अवश्य लगी रहती है। जबकि वृद्धि संधि में जो भी शब्द आपको दिया जाता है उसके मध्य में जो वर्ण होगा उसमें अई या औ की, यानी कि दो मात्राओं वाला आता है। जैसे यहां मैंने आपको उदाहरण देकर समझा दिया है, अर्थात आप इधर से इधर करना हो या इधर से इधर करना हो, समस्त पद से विग्रह करना हो या आपको संधि करनी हो, आप बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है संधि पहचानने का, आपको पहचानना होता है कि इसमें कौन सी संधि हुई है। जैसे यहाँ पर दो मात्राओं से आप समझ गए हो कि वृद्धि संधि हुई है, उसके बाद आपको पता है कि अ या आ के बाद ए या आई या ओ या औ होने पर ऐसा होता है, दो मात्राएं आती हैं, तो आप बहुत ही सरलता से इसका संधि विच्छेद कर दोगे, उसके बाद आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो आशा है आपको वृद्धि संधि के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।